आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 पार्ट ऑफ यू की प्रश्नावली 3.3 का थोड़ा इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे, फिर इसकी प्रश्नावली को हल करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला टॉपिक है ऑफ का परिवर्त, मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए, अगर कोई एक ऑफ ले लें हम ए, ठीक ना, तो अगर ऑफ उदाहरण भी ले लें ऑफ का, देखिए ये रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक ना। तो ये 3×3 कोटि की ऑफ है। तो यदि हम इसका परिवर्त ज्ञात करना चाहें तो क्या करते हैं, किसी भी ऑफ है ना, किसी भी ऑफ के पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में परिवर्तन जब करते हैं तो हमको किसी ऑफ का परिवर्त ज्ञात हो जाता है। जैसे देखिए, ये है 3×3 कोटि की एक ऑफ लिया है हमने, तो इसका अगर हम परिवर्त ज्ञात करना चाहें तो देखिए, सबसे पहले तो परिवर्त को दिखाते कैसे हैं, ए डैश से, ठीक है, या ए टी से दिखाते हैं, ठीक ना। इंग्लिश में ट्रांसपोज बोलते हैं, इसलिए इसका कैपिटल टी का हम लोग इसे प्रदर्शित किया जाता है इससे। तो देखिए, हम इसको ट्रांसपोज ज्ञात कर रहे हैं, परिवर्त ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए इसकी ये पंक्ति जो है, ठीक ना, पहली पंक्ति को हम पहले स्तंभ में बदल लेंगे। तो 1, 2, 3 है तो हम इसको 1, 2, 3 लिख लिया, ठीक ना। और दूसरी पंक्ति जो है, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदल देंगे, तो 4, 5, 6 लिखा है तो यहाँ हम 4, 5, 6 बदल लिए, ठीक ना। फिर इसके बाद ये जो तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति के सभी अवयवों को स्तंभ के रूप में लिखेंगे, तो 7, 8, 9 लिखा है तो यहाँ हम लिखेंगे 7, 8, 9, ठीक ना। तो देखिए, इसको हम ये बोलते हैं कि पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित किया है, या कह सकते हैं देखिए, ये रहा पहला स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया, 1, 4, 7 लिखा है तो इसको हमने पलट कर इस पंक्ति में बदल दिया, ठीक ना। इसी प्रकार देखिए, 2, 5, 8 है, इस स्तंभ को हमने भी देखिए यहाँ पंक्ति में बदल दिया, ठीक ना, और 3, 6, 9 को 3, 6, 9 पंक्ति में बदल दिया। इसीलिए इसको बोलते हैं, यदि किसी ऑफ का पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तन जब करते हैं तो उस ऑफ का परिवर्त ज्ञात हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए, जो हमने परिवर्त ज्ञात किया उसकी भी कोटि देखिए 3×3 है, ठीक ना, क्योंकि ये वर्ग ऑफ है तो वर्ग ऑफ में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होता है, इसलिए जब इसका परिवर्त भी ज्ञात किया तो इसकी भी कोटि 3×3 ही प्राप्त हुई। अब देखिए, एक दूसरा ऑफ लिख लेते हैं, देखिए लिखा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए ये ऑफ लिखा, अब इसकी कोटि क्या हो है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे जब लिखते हैं तो पहले पंक्तियों की संख्या को लिखते हैं, यहाँ दो पंक्ति है, 1 और 2, यहाँ लिखा 2×, स्तंभ कितने, 1, 2, 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। तो अब इसका अगर हम परिवर्त ज्ञात करें तो परिवर्त हो जाएगा, देखिए जो पंक्ति है वो स्तंभ में परिवर्तित हो जाएगी, तो 2, 3, 4 तो हम लिख सकते हैं 2, 3, 4, और ये 5, 6, 7 जो लिखा है इसको हम लिखेंगे 5, 6, 7, ठीक ना। अब देखिए इसकी कोटि क्या हो गई, इसमें इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 1, 2, 3, तो ये लिखा 3×, स्तंभ कितने हैं 1, 2, तो ये 2 हो गया, तो ठीक ना। तो इस प्रकार जब कभी हम देखिए, इससे क्या निष्कर्ष निकला कि इसमें जब जो हम जो ऑफ लिए हैं इसके कोटि 2×3 है तो इसका परिवर्त की कोटि 3×2 हो जाएगी, ठीक ना, इसका बदल जाता है, ठीक। तो देखिए, यदि ऑफ ए की कोटि m×n है, ठीक ना, तो इसके परिवर्त की कोटि कितनी हो जाएगी, की कोटि हो जाएगी n×m, ठीक ना। देखिए, क्लास 12 में बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न भी आते हैं, इसके लिए आपको हर एक बिंदु को याद रखना जरूरी है, ठीक ना, तो इसको भी आप नोट करते चलिएगा। अब देखिए, हम एक
सी एक तीसरा अवयव निकाल लिख लेते हैं। देखिए ये है ए बी सी, ठीक ना। देखिए ये पंक्ति अवयव है, ठीक ना, तो हम लिख लेते हैं ये है पंक्ति अवयव, ठीक ना। इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक, ठीक ना। तो देखिए इसमें अवयव मैंने ए बी सी लिखा है, दो चार पाँच भी लिख सकते हैं। तो जब हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे तो ये देखिए ये जो एक पंक्ति है तो हमने बोला पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तन किया जाता है, तो हम लिख लिए ए बी सी, ठीक ना। तो देखिए जब हम पंक्ति अवयव का परिवर्त ज्ञात करते हैं तो हमको स्तंभ अवयव प्राप्त हो जाता है, ठीक ना। और इसी का विलोम यदि हम स्तंभ अवयव को, ठीक ना, ये स्तंभ अवयव है क्योंकि इसमें केवल एक स्तंभ ही है, तो इसको स्तंभ अवयव बोलते हैं, स्तंभ अवयव, ठीक ना। इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक ना। इसको आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखिएगा, तो इसको स्तंभ अवयव, ठीक ना। तो स्तंभ अवयव मतलब जब आप पंक्ति अवयव का परिवर्त ज्ञात करेंगे तो स्तंभ अवयव में परिवर्तन हो जाएगा, और जब स्तंभ अवयव का परिवर्त ज्ञात करेंगे तो पंक्ति अवयव में परिवर्त हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लिखते हैं पंक्ति अवयव का परिवर्त स्तंभ अवयव प्राप्त होता है, होता है एवं स्तंभ अवयव का परिवर्तन, ठीक ना, आप इसको हर एक पॉइंट को याद रखिएगा, का परिवर्त पंक्ति अवयव प्राप्त होता है, ठीक ना। तो ये हो गया। अब देखिए इस पर कुछ प्रमेय हैं, तो इसको आप प्रमेय देख लेते हैं, परिवर्त पर जो भी प्रमेय होते हैं। तो देखिए लिखेंगे परिवर्त पर कुछ प्रमेय, ठीक ना, जो भी प्रमेय है इसको बोलते हैं थ्योरम ऑन ट्रांसपोज, ठीक ना, सम थ्योरम ऑन ट्रांसपोज। तो देखिए इसमें पहला है थ्योरम, यदि किसी अवयव का अगर परिवर्त है, ठीक ना, और इसका पुनः परिवर्त ज्ञात करें तो हमको ये अवयव प्राप्त हो जाती है, ठीक ना। तो ये परिवर्त है ना, किसी अवयव का अगर परिवर्त का परिवर्त ज्ञात करें तो हमको वास्तविक के मूल जो पहले अवयव है वो ज्ञात हो जाता है, ठीक ना। इसी प्रकार दूसरा है ए प्लस बी, है ना, मतलब दो अवयव का योग फॉल करें फिर इसका हम परिवर्त ज्ञात करें, तो ये ए के परिवर्त प्लस बी के परिवर्त, है ना, ए और बी दोनों अवयव के परिवर्त को ज्ञात करके उनको जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर ही प्राप्त हो जाता है, ठीक ना। और एक तीसरा है यदि ए और बी दो अवयव का गुणनफल ज्ञात करें और फिर उसका परिवर्त ज्ञात करें तो ये बी अवयव के परिवर्त गुणे ए अवयव के परिवर्त के बराबर होता है, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा, आगे काम आएगा। इसके बाद है सममित, ठीक ना, सममित अवयव देख लेते हैं क्या होता है, तो यहां लिख लेते हैं सममित अवयव, ठीक ना, इसको सिमेट्री मैट्रिक बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक, ठीक ना। तो इसको क्या होता है, देखिए जैसे यदि कोई एक अवयव ए है, ठीक ना, इसके कोई भी अवयव अवयव लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए जैसे एक दो तीन तीन, ठीक ना, ये दो गुणे दो कोटि के अवयव है, ठीक ना। तो यदि ए का अगर हम इसका परिवर्त ज्ञात करें तो देखिए ए का परिवर्त ज्ञात करें तो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ बदल जाएगा, तो एक तीन है तो इसको हम एक तीन लिख दे रहे हैं, और ये दो तीन है उसको हम तीन दो हैं इसको ऐसे बदल दिया। तो देखिए ये अगर इसका परिवर्त भी ज्ञात कीजिए करें तो देखिए ये ए के बराबर आ गया, ठीक ना। तो इसका मतलब ए डैश या ए का परिवर्त ए के अगर बराबर आ जाए
तो इसको बोलेंगे कि ए आव्यूह सममित आव्यूह है, ठीक ना। एक तीन गुणे तीन के भी लिख लेते हैं। देखिए जैसे एक आव्यूह लिया ए बी सी, एक बार अंक भी ले लेते हैं। देखिए एक दो तीन, दो तीन चार पाँच छ छ, ठीक ना। ये भी है तीन गुणे तीन का परिवर्त, ये है कोटि है इसकी। तो अगर इसका हम देखिए परिवर्त ज्ञात करते हैं, ठीक ना, तो हमने बोला पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल देते हैं, तो एक दो तीन को हम इसको एक दो तीन लिख सकते हैं, दो चार छः को लिख सकते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, है ना, स्तंभ में दो चार छ, और तीन छः पाँच को लिख सकते हैं तीन छः पाँच, ठीक ना। तो देखिए ये जो हमने परिवर्त ज्ञात किया, फिर ये देखिए ये पूरा आव्यूह ही प्राप्त हो गई, एक दो तीन, एक दो तीन, दो चार छः, दो चार छः, तीन छः पाँच। इसका मतलब ये जो B डैश है वो B के बराबर ही है, ठीक ना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि B एक सममित आव्यूह है, ठीक ना। अब देखते हैं विषम सममित आव्यूह, लिखते हैं यहां पर विषम सममित आव्यूह, ठीक ना। इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक मैट्रिक्स, ठीक ना। इसमें क्या होता है, देखिए जैसे अगर हम कोई एक आव्यूह ले लें ए, तो एक एग्जाम्पल ले लिख लेते हैं जीरो जीरो, यहाँ एक और यहाँ माइनस वन लिख लिया, ठीक ना। ये कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं समझाना है तो। अब इसका हम परिवर्त ज्ञात करते हैं, तो ए परिवर्त, देखिए क्या होता है परिवर्त ज्ञात करने के लिए, जो रो में है वो कॉलम में बदल जाएगा, तो लिखते हैं जीरो वन है, हम यहाँ जीरो वन लिख लिया, ठीक ना। और जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम में बदल जाएगा, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बदलेगा, सेकेंड ये रहा ऐसे, ठीक ना। अब देखिए इसमें हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, जीरो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये वन हो जाएगा और ये माइनस वन हो जाएगा और ये शून्य है। अब देखिए ये ए मैट आ गई, ठीक ना, ए मैट्रिक आ गई, ये आव्यूह है, तो इसको हम ले सकते हैं ए का परिवर्त इसके आव्यूह ए के आव्यूह के निगेटिव साइन के संग आया है, ठीक ना। तो ये जब इस प्रकार का कंडीशन बने तो हम बोल सकते हैं कि ए जो है विषम सममित आव्यूह है, ठीक ना। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक यहाँ देख लेते हैं, ठीक ना, एक बी ले लेते हैं, बी कोई भी अल्फाबेटिकल भी ले सकते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर देखिए ए जीरो जीरो लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए जीरो जीरो जीरो, ठीक ना, वन टू थ्री, माइनस वन माइनस टू और माइनस थ्री, ठीक ना, ये लिख लिया। अब जब हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे तो परिवर्त में देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बदल जाएगा, तो जीरो वन टू, माइनस वन जीरो वन, माइनस वन जीरो सॉरी थ्री है, माइनस टू माइनस थ्री माइनस जीरो, माइनस टू माइनस थ्री और ये जीरो, ठीक ना। देखिए इसमें अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए बी डैश बराबर माइनस जीरो माइनस वन माइनस टू, वन जीरो माइनस थ्री, टू थ्री जीरो, ठीक ना। देखिए ये माइनस कॉमन लिया तो सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए बी के बराबर आ गया, मतलब ये भी आपको प्राप्त हो गया बी डैश माइनस बी के बराबर, ठीक ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बी एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक ना। अब देखिए एक प्रमेय है उसको भी देख लेते हैं। अगर हमको कोई एक आव्यूह दिया हो, ठीक ना, मान लिया कोई एक आव्यूह दिया है, अगर हम बोलें कि इसका सममित आव्यूह क्या होगा, ठीक ना, या विषम सममित आव्यूह क्या होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए
देखिए ए प्लस ए डैश सममित आव्यूह, एवं ए माइनस ए डैश विषम सममित, विषम सममित आव्यूह होगा। ठीक ना, तो देखिए क्या है, इसको हम समझा देते हैं एक बार, कोई एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल। ए बराबर लिख लिए सिंपल, दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ एक और नौ। ठीक ना, ये एक आव्यूह ले लिया। अगर हम इसका सममित आव्यूह ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, इसके पहले परिवर्त को निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर ए डैश, फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बदल लीजिए, पाँच छ और सात आठ एक नौ। ठीक ना, तो बोलता है अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो हमको एक सममित आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए जोड़ लेते हैं, तो देखिए इनको जोड़ लेते हैं, ए प्लस ए परिवर्त या ए डैश। ठीक ना, तो ए का मान कितना है, दो तीन चार पाँच छ सात आठ एक नौ, प्लस दो पाँच आठ तीन छ एक चार सात नौ। ठीक ना, इनको जोड़ लेते हैं, तो देखिए क्या आएगा, दो आव्यूह का अगर योग है इनके संगत अव्यय ही जुड़ते हैं। देखिए ये टू टू के संग ही जुड़ेगा, दो दो चार पाँच तीन आठ, आठ चार बारह, पाँच तीन आठ, छः छः बारह, सात एक आठ, आठ चार बारह, आठ और नौ नौ अठारह। ठीक ना, इस प्रकार हमको ए डैश ए प्लस ए डैश आया। ठीक ना, ए प्लस ए डैश का डैश, देखिए परिवर्त ज्ञात कर रहे हैं। ठीक ना, तो चार आठ बारह को लिख सकते हैं, चार आठ बारह, आठ बारह आठ को लिख सकते हैं, आठ बारह आठ, बारह आठ अठारह को बारह आठ अठारह। ठीक ना, देखिए ये जो परिवर्त ज्ञात किया ये इसके ए प्लस ए इसके बराबर ही आ गया। देखिए चार आठ बारह, आठ बारह आठ, बारह आठ अठारह। ठीक ना, तो जो हमको ये प्राप्त हुआ है, ये जो आव्यूह प्राप्त हुई है इसका ये परिवर्त ज्ञात किया तो इस इसी के बराबर ही आ गया। तो हम लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश का परिवर्त बराबर ए प्लस ए डैश। ठीक ना, तो इस प्रकार इस अगर एक आव्यूह दिया है ए, तो अगर इसका हम सममित आव्यूह ज्ञात करें तो हमको देखिए सममित आव्यूह ये प्राप्त हो रही है। ठीक ना, इस ये सममित आव्यूह प्राप्त हो गई। इसी प्रकार यदि a माइनस ए डैश कर लें तो हमको इसको विषम सममित आव्यूह प्राप्त हो जाएगी। ठीक ना, तो देखिए यहीं पर कर लेते हैं, इसका a निकला हुआ है, a डैश भी निकला हुआ है, हम लिख लेते हैं a माइनस ए डैश। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब इसमें माइनस करना है तो लिख लेते हैं, दो तीन चार पाँच छ सात आठ एक नौ, माइनस दो पाँच आठ तीन छ एक चार सात नौ। ठीक ना, ये हो गया। अब इसको घटा के देखते हैं, तो देखिए संगत आव्यूह, दो में दो गया जीरो, तीन में पाँच गया माइनस दो, चार में आठ गया माइनस चार, पाँच में तीन गया दो, छः में छः गया शून्य, सात में एक गया छः और ये चार, एक में सात गया माइनस छः और नौ में नौ गया शून्य। ठीक ना, घटा लिया हमने, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आ गया, अब देखिए ये ए प्लस ए माइनस ए डैश ए एक आव्यूह प्राप्त हो गई। ठीक ना, अब हम इस आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करते हैं। देखिए ए माइनस ए डैश के ऊपर डैश लगाया तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जो पहली पंक्ति है वो पहले कॉलम बदल जाएगा, जीरो माइनस दो माइनस चार और दो शून्य छः चार माइनस छः शून्य। ठीक ना, अब हम इसमें से माइनस कॉमा निकाल लेते हैं, तो माइनस कॉमा निकालने से शून्य माइनस दो माइनस चार, दो शून्य छः चार माइनस छः शून्य।
ठीक ना। तो देखिए क्या आया, ये हमको ये आव्यूह ही ये आव्यूह प्राप्त हो गई, जीरो माइनस ये, ठीक ना। तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस ए डैश का डैश अगर निकालें तो हमको ए माइनस ए डैश प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब इस वाले टॉपिक से अगर हमें कोई भी अगर एक आव्यूह दे दिया जाए, अगर हम बोलें या निकालने को बोले कि इसका सममित आव्यूह निकालिए या विषम सममित आव्यूह निकालिए, तो क्या करेंगे उस आव्यूह के परिवर्त को उसमें जोड़ देंगे, तो जो हमको प्राप्त होगा आव्यूह वो सममित आव्यूह होगा, और अगर इस आव्यूह में से उसके परिवर्त को घटा देंगे तो हमको विषम सममित आव्यूह प्राप्त होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार ये प्रमेय खत्म हो गया। एक प्रमेय और है, उसको भी देख लेते हैं, फिर आगे प्रश्नावली हल करेंगे। लिख लेते हैं, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित आव्यूह एवं एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ठीक ना, या लिखा जा सकता है। देखिए जैसे अगर एक आव्यूह है ए, तो इसको हम लिख सकते हैं एक बटे दो ए प्लस ए डैश प्लस एक बटे दो ए माइनस ए डैश, ठीक ना। तो यही इस प्रमेय का मतलब है। जैसे देखिए ये सममित आव्यूह है, ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होता है, ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह होता है, इन दोनों का योगफल करके एक आव्यूह को इस रूप में लिखा जा सकता है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये प्रमेय हो गया। अब इसके आगे इसका प्रश्नावली देखते हैं।